फ्रेंड्स, वेलकम टू सैलरी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी न्यूज आपके लिए, एंड दैट इज फ्रॉम plumgoodness.com। प्लम हॉलीडे सेल, बाय टू गेट टू फ्री यूजिंग द कोड B2G2। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड गाइस ये बस 13 दिसंबर तक है। गाइस, प्लम ने मुझे एक बहुत ही अच्छा PR पैकेज भी भेजा है जिसमें मुझे 4 गुडीज दी हैं, एंड ये रहे वो, एंड मैं अभी आपको इन सब का एक क्विक छोटा सा रिव्यू भी दूंगी, एंड इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी। इन चारों में से 2 मैंने ऑलरेडी पहले ट्राई किए हुए हैं तो मुझे उनके बारे अच्छे से पता है, बाकी जो 2 है वो मैं फर्स्ट टाइम मुझे मिले हैं तो उनके बारे में शायद मैं आपको बहुत ज़्यादा ना बता पाऊँ। सो लेट्स गो टू द प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं। सो गाइस, द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई वॉन्ट टू शो यू जो मुझे प्लम ने भेजा है वो है ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश। ये 75 ml की ट्यूब है एंड द कॉस्ट ऑफ इट इज ₹345। गाइज, एक्चुअली ये जो प्लम के प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं वो वीगन हैं, पैराबेन फ्री हैं, एंड ये एनिमल्स पे टेस्ट नहीं होते हैं। सो दैट इज वाई दे आर एब्सोल्यूटली सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड दे आर मेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये जो फेस वॉश है, क्लींजिंग फेस वॉश है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी, एंड ग्रीन टी इज गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो कुछ टाइम पहले आई वॉज लाइक कि मुझे था कि मैं एक्ने प्रोन प्रोडक्ट्स खरीदूँ, बिकॉज स्पेशली समर्स में क्या होता है ना, मेरी ये टी जोन एरिया काफ़ी ऑयली हो जाता है, एंड एक दो एक्ने होते भी हैं, बट स्टिल मुझे होता है कि यार उनको भी देख के मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने ये पहले एक बार यूज़ किया था, एक्चुअली इसका मुझे सैम्पल साइज प्रोडक्ट मिला था किसी चीज़ के साथ, तो उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा, एंड देन आई बॉट अ फुल साइज प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड दिस इज़ द सेकेंड ट्यूब आई हैव गॉट फ्रॉम देम एज अ PR। अच्छा लगता है ना, प्लम इज अ ग्रेट ब्रांड यार, आई एम रियली हैप्पी टू गेट कोलैबोरेटेड विद प्लम यार, रियली। सो गाइस, अगर हम बात करें तो दिस फेस वॉश इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, एंड द पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, वेरी सिंपल ग्रीन एंड वाइट पैकेजिंग। गाइज, ये जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, बिकॉज इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही माइल्ड ग्रैन्यूल्स हैं जो आपकी स्किन को स्क्रब भी करते हैं, आप देख पा रहे हो ग्रीन ग्रीन, तो बहुत ही माइल्ड है ये, बिल्कुल भी आपके एक्ने को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड बहुत ही अच्छे से लादर होता है ये, एंड इतना ज़्यादा जितना मैंने दिया उतना नहीं चाहिए आपको, इससे भी हाफ साइज चाहिए, पी साइज प्रोडक्ट चाहिए आपके पूरे फेस के लिए एंड इवन फॉर नेक के लिए, एंड इसकी खुशबू बहुत ही लग्जूरियस एंड बहुत ही माइल्ड है। मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी इस तरीके की फ्रेग्रेंस होती है ना, वाओ। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द प्लम बी गुड इल्यूमिनेंस सिंपली सपल क्लींजिंग बाम। इसके मैंने एक्चुअली फुल साइज प्रोडक्ट यूज नहीं किया, इसके मैंने 3 सैम्पल साइज प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं हमेशा सोचती थी कि यस आई बाय इट, लेकिन बाय करने से पहले ही बाय लक ये मुझे मिल गया, वो भी फुल साइज, एंड इट इज अ यू नो ग्रेट क्वांटिटी। मैं आपको बताती हूँ, एक तो पैकेजिंग इसकी आप देखो, आउटर पैकेजिंग दिस इज लाइक अ पीचिश कलर, जैसे वो फेस वॉश वॉज ग्रीन, इसका पीच एंड वाइट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है गाइज इनकी, बहुत ही सिंपल एंड सोबर बट स्टाइलिश। ये 90 ग्राम प्रोडक्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹545, एंड नाउ लेट्स ओपन इट। नाइस नो, बहुत प्यारी पैकेजिंग है यार, ऐसी पैकेजिंग आउटर कवर की करते हैं ना तो मन नहीं करता उसे फेंकने का, मैंने तो बहुत सारे ऐसे आउटर कवर्स भी साथ में होल्ड कर रखे हैं यार, मैं नहीं फेंकती। इस क्लींजिंग बाम के साथ हमें एक छोटा सा स्पैचुला भी मिलता है, एंड गाइस दिस इज हाउ द बॉक्स
or the jar of the cleansing balm looks like. It is a sleek packaging, बहुत ही स्टाइलिश सा है. मुझे इसकी ना पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है. इसके जो सैम्पल प्रोडक्ट सैम्पल वन ने यूज किया था ना, वो इतने इतने थे, मतलब इतने थे, एंड वो भी एकदम स्लीक से क्यूट से थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. यहाँ पे उसके थोड़े से डिटेल्स लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे उनके नीचे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं. एंड ये रहा वो स्पैचुला, एंड नाउ मैंने इसे कल रात यूज किया था. आई मीन इस टब को एक बार मैंने यूज किया था. एंड आपको बस स्पैचुला के साथ, मैंने उल्टा पकड़ा है, नहीं ठीक है, बस आपको इतना सा प्रोडक्ट चाहिए. अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप नहीं किया हुआ, अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया हुआ है, तो डिपेंड करता है कि आपकी आईज के ऊपर कितना मेकअप है एंड उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट यूज करना है. एंड गाइज, इसको आपने अपने डायरेक्टली स्किन पे लगा के डस्ट पार्टिकल्स एंड मेकअप या ट्रेसेस ऑफ मेकअप जो भी है, आपने इसको ऐसे रब करना है. ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी यू नो वो चिपचिपा टाइप का नहीं है जैसे काफी क्लिंजिंग बाम्स होते हैं. ये बहुत ही अच्छा है एंड माइल्ड है, खुशबू भी अच्छी है. मुझे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, क्या करूँ अब मैं. एंड उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है. अगर आपने आई मेकअप हैवी कर रखा है एंड अगर आपने इसको ऐसे से करके रब किया, उसके बाद आप एक कॉटन स्वैब से पहले वो एक्सेस मेकअप निकाल लो एंड देन यू कैन गो एंड वॉश योर फेस. गाइस, जो थर्ड प्रोडक्ट है जो मुझे मिला है वो है प्लम ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ग्लो रिस्टोर फेस ऑयल ब्लेंड. दिस वन आई बी यूजिंग द फर्स्ट टाइम. आई हैव यूज्ड इट फॉर 2 डेज एंड इट्स रियली अमेजिंग. मैंने इसको एज अ यू नो नाइट क्रीम या नाइट सीरम यानी मैंने इसको यूज किया. अब इसकी पैकेजिंग देखो, एज यूजुअल बहुत ही प्रेटी पैकेजिंग है. एंड दिस इज द बॉटल दे हैव, ग्लास बॉटल है, बहुत ही क्यूट सी. द प्राइस ऑफ दिस फेशियल ऑयल इज ₹775 एंड इज अ 30 ml प्रोडक्ट गाइस. 30 ml मतलब पूरा विंटर्स मेरा ये आराम से चल जाएगा. बिकॉज फेस फेस ऑयल है तो आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको यूज नहीं करना होता है. ओनली 2 ड्रॉप्स एंड योर फेस इज अमेजिंगली मॉइस्चराइज्ड. एंड ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगा मुझे. मैंने इसको कल भी यूज किया, रात को मैंने इसको परसों भी यूज किया एंड एज अ नाइट क्रीम यूज किया है. तो ऑब्वियसली रात को अगर आप हैवी नाइट क्रीम लगाते हो तो आपको वो ग्रीसीनेस सुबह पता चलती है, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. बहुत ही सफल फील हुआ जब मैं सुबह उठी हूँ. बिल्कुल भी वो ना ऑयली ऑयली टाइप का या हैवी हैवी फील नहीं हुआ मुझे फेस पे. इन्होंने इस फेस ऑयल में 10 ऑयल्स को मिक्स किया है एंड हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स इसमें हैं. एंड जो ऑयल्स इसमें मिक्स्ड हैं वो है सी बकथॉर्न, पोमोग्रेनेट सीड एक्सट्रैक्ट, देन वी हैव सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, देन वी हैव स्वीट आलमंड, रोज हिप, आर्गन, ग्रेप सीड, एप्रिकॉट, ऑलिव. तो इतना कुछ है इसमें तो ऑब्वियसली ऑसम तो होगा ही. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्सनली, लाइक एंड ये मेरा बहुत ही जेन्युइन रिव्यू है अबाउट दिस फेस ऑयल. इफ यू आर हैविंग सुपर ड्राई स्किन ड्यूरिंग विंटर्स, गो फॉर दिस गाइस, गो फॉर दिस. एंड दिस इज हाउ द ऑयल लुक्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्लम एवोकाडो नरिश अप हेयर मास्क. लुक एट द जार, इट इज अ ह्यूज जार गाइस. इसका नेट वेट है 250 ग्राम्स एंड इट इज एन एवोकाडो हेयर मास्क. तो ऑब्वियसली एवोकाडो है तो इट विल बी लाइक क्वाइट नरिशिंग फॉर योर हेयर्स ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में आपके बाल ना अजीब तरीके से बिहेव करते हैं. तो ये विंटर्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है एंड दिस इज स्पेशली फॉर फ्रिजी हेयर. मेरे फ्रिजी हेयर हैं, 2 महीने से अभी तक यूज नहीं किया है, बट मैंने इसके काफी रिव्यूज चेक किए. उसके बाद मैं इसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ एंड बता रही हूँ. सो नाउ लेट्स ओपन इट. प्लास्टिक जार है गाइस.
गाइस द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹675 एंड आई एम अ फैन ऑफ हेयर मास्क बिकॉज मेरे फ्रिजी हेयर हैं, तो मैं कभी भी शैम्पू करने के बाद अपना हेयर मास्क या एकदम डीप कंडीशनिंग नहीं भूलती हूँ, नहीं तो मेरे बाल झाड़ू जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे थे, मैंने कटा लिए इसी ट्यूब के वजह से कि फ्रिजी हैं, बट आई थिंक दिस मास्क गोना हेल्प मी अ लॉट एंड हियर इट इज, दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है, खुशबू भी अच्छी है एंड दिस इज इट। बहुत ही माइल्ड खुशबू, बहुत ही ज्यादा। एंड नाउ कम्स द मेथड हाउ टू यूज दिस मास्क। यू हैव टू आफ्टर शैम्पूइंग वेट हेयर में आपने इसको लगाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स टू द यू नो रूट्स में नहीं लगाना, एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। एंड अच्छा रहेगा अगर आप इसे टावल रैप करके रख दो, दैट योर हेयर विल बी नरिश्ड। एंड आई होप मैं इसे शायद कल आफ्टर माई हेयर वॉश यूज करूँ। एंड एक क्विक सा छोटा सा रिव्यू भी मैं या फिर एक्सपीरियंस मैं इसके साथ इसके बारे में एक छोटा सा क्विक एक्सपीरियंस मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे अपने ज़रूर इसका अपलोड करूँगी। आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट करना, लिंक इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसके सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड जो कूपन कोड आपने यूज़ करना है फॉर परचेजिंग एंड गेटिंग दिस बाय टू गेट टू फ्री वाला ऑफर इज B2G2, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सारे डिटेल्स, ज़रूर चेकआउट करना। एंड आपको ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे, किस चीज़ की आपको डिटेल रिव्यू चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड जाने से पहले फिर से मैं बोलूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना यार। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर स्किन, एंड गो grab that offer.